मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना रखना चाहिए, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट कितना रखना चाहिए। बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस तिजारत। देखो भाई क्या, मैं नहीं समझा प्रॉफिट। देखो भाई मार्केट में, अच्छा एक चीज आप लोगों को समझा देता हूं, इसमें ताजरा भी है, नहीं बहुत सारे ताजरा भी है माशाल्लाह। मार्केट में ये चीज, एक चीज 20 रुपए को बिक्री, कितने को बिक्री? 20 रुपए को बेचने वाला जाकर 10 रुपए को ले लेता रहा। वो चीज जरा मेहनत करने के बाद आपको 5 रुपए को मिल गई, समझ रहे हैं? वापस आने के बाद आपको मार्केट में 20 ही 18 रुपए को अलबत्ता बेचने की इजाजत है। कितने को? ज्यादा कम करने की इजाजत नहीं है। क्यों? वो बेचारे जो जो 10 रुपए को लेको ही, उन सबका नुकसान होगा नहीं होगा? तुम्हें लाखो ए 12 रुपए देता हूं जे, बोल बुला लिए पूरे कस्टमर तुम्हारे पास 12 रुपए को आ गए, तुम्हें 7 रुपए नफा मिल रहा। जो बेचारा 10 रुपए को लिया उन्हें 12 रुपए बेच सकता है क्या? बेच सकता है क्या भाई? नुकसान होगा नहीं होगा? इसलिए उलमा फरमाते हैं उस बेचारे को नुकसान ना हो, इसलिए 2 रुपए तुम कम कर ले सकते हो, ताकि उन्हें भी अगर 18 को दिया तो कम से कम कितना मिलता? उसे भी 8 रुपए मिलता। इतना कम करना नफा के दूसरों के मार्केट को कब्जा करने के चक्कर में बाद लोग कॉम्पिटिशन में तो जंग मलाना, गलत। तो कॉम्पिटिशन कर को दूसरे के पेट पलात मार रहा सो। अल्लाह तुझे आज सस्ता में दे दिया घर को, आज तू आइंटले को घमंडी के साथ, घमंड के साथ तू आकर सस्ते में बेच रहा। वो बेचारा उसे उसे इन्फ्लुएंस नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, उसे नॉर्मल मार्केट में जो जो रेट में मिलता वो रेट में मिल रहा सो। तू अगर घमंड के साथ अगर इस तरह का हरकत करेगा, तेरा बिजनेस इसकी बद्दुआ से बहुत जल्द खत्म तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए ऐसे 100 काम नहीं करना।